फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार की जो रणनीति तैयार की है, इस रणनीति को धार देने के लिए सीएम योगी होली के बाद सियासी मैदान में उतरेंगे। इस बार सीएम योगी मथुरा से चुनाव प्रचार का आरंभ करेंगे, जहां से बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी और 31 मार्च तक सीएम योगी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का खासा फोकस यूपी पर है। ऐसे में यूपी में मिशन अस्थी को साकार करने के लिए सीएम योगी होली के बाद चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। 27 से 31 मार्च तक सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 5 दिनों में 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी शामिल होंगे। हर दिन 3 लोकसभा क्षेत्र पहुँचने की योजना तैयार की गयी है। 27 मार्च को मथुरा से सीएम योगी सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और इसी दिन मेरठ और गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में सम्मेलन होगा। 29 को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचेंगे। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। वहीं 31 को बरेली, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में शामिल होंगे सीएम। सबका जो जन्म हमार सुफल भायाजू, निश्चित रूप से हम अपने सभी शुभ कार्यों की शुरुआत प्रभु की आराधना से और उनके धाम से शुरू करते हैं और मथुरा में बाके बिहारी जी की कृपा से भव्य कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर होने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। चुनाव अभियान में पहले 2 चरण की सीटों पर ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है। बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम ने इसी के हिसाब से खाका तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की बात हो या औद्योगिक क्रांति की बात हो, उत्तर प्रदेश सभी पथों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और इसके पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से संपर्क और संवाद अभियान के जरिए अनौपचारिक प्रचार का एक चरण पूरा कर लिया गया था। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले हफ्ते में ही 18 जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी ने जनसंवाद के क्रम को बढ़ाया था। चुनावी तैयारी के लिहाज से बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 20 क्लस्टर में बांटा है, जिसमें सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां होंगी। अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रचार की जो रणनीति तैयार की है, उसके हिसाब से योगी हर लोकसभा सीट पर पहुंचकर पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।